इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारे बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो। हेलो, हाँ जी, कौन? एन ए, ये क्या एन ए? नमस्ते अंकिल, कौन बोल रहा है? MBBRH। अब ये MBBRH क्या है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। ये क्या है, क्या काम क्या है? KKN, कुछ खास नहीं। भाई कौन है? क्या है ना, आजकल शॉर्टकट का और शॉर्ट फॉर्म का जमाना है भाई साहब। अच्छा, तो इसलिए मैं भी ट्राई कर रहा था। हाँ, अगली बार फोन किया ना। KKA। हाँ, क्या KKA? क्या करेंगे आप? तेरी साले सुनेगा मेरे मुंह से अभी, क्या करेंगे आप? हेलो, SSWHA। अब ये क्या 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 है? शायद सिग्नल वीक है अंकिल। तेरी अंकिल। GKHRH, GKHRH। अब ये इतना शॉर्ट फॉर्म होता है क्या? गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप? गुस्सा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुम शॉर्ट फॉर्म हो, सारा आदमी। हेलो, क्या है? AMKHK। क्या है अब ये AMKHA? ऐसा मैंने क्या कहा? ए अंकिल, मैं तेरी साले, मैं ना एच मतलब हाँ तेरी <मुझी या। laughs> हेलो, हाँ तेरे को सुनना है अब? वाई, यस, TGTD। क्या ये TGTD? तेरी तोड़ दूंगा समझ में, एक घंटा हो गया करते करते साले को साला। GMB तो गंदा मत बोलो साले, गंदा तो बोल रहा है। CY ची यार अब ये बना रहा हूँ मैं, अब तक एक मिनट। ABMTT बताऊँ? हाँ, अगली बार मिला ना तो तेरी हेलो तुम जैसे आखिरी हाँ, क्या आखिरी बोल? CPR। हाँ, CPR क्या है अभी? चल फोन रख तेरी साले। जी ये गलत आदमी। GRCY 93.5 रेड FM BR बजाते रहो। ऐसे अंकिल नमस्ते, बस बउआ बोल रहा हूँ। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो 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 हेलो, हाँ जी, कौन? मेरी आवाज पलट पलट के आ रही भाई साहब। कौन बोल रहे हो आप? मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल, नमस्ते। हेलो, हाँ जी, आवाज क्लियर आ रही है मेरी? हाँ भाई, मैं कह रहा था, मैं कई लोगों से पूछने की कोशिश कर रहा था और मेरे को ऐसे बहुत सारे लोग मिले। हाँ मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे मिले जो अपनी जिंदगी में कई बार ये कहते हैं कि विश्वास नहीं हो रहा है। विश्वास नहीं हो रहा है? विश्वास आपने भी कभी तो कहा होगा। क्या कहा होगा? विश्वास नहीं हो रहा। विश्वास नहीं हो रहा कहा है कि नहीं? बहुत बार कहा है। बहुत बार कहा है। क्यों लोगों को विश्वास नहीं होता है? जब तेरे जैसे कॉलर कॉल करते ना तो विश्वास नहीं होता। आप गलत बोल रहे हैं और आप इतना गलत बोलेंगे मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है। मैं तेरे को दो गालियां बकूं तो तुझे भी विश्वास नहीं होगा। एक सेकेंड, मैं बता रहा हूँ। चौधरी साहब थे मेरठ के, है? मेरठ के एक चौधरी साहब थे, उनकी शादी के बाद उनको बच्चा होने वाला था। अच्छा, तो डॉक्टर ने कहा कि पत्नी को जितना खुश रखेंगे उतना ही हेल्दी बच्चा होगा और सब नॉर्मल होगा। अच्छा। तो खूब घुमाते फिराते टहलाते होटल में खिलाते, और होटल में खाने के बाद ना खाने से ज्यादा उनकी पत्नी सौंफ खाती थी, मुखवास। हाँ, खाने के बाद कई लोग करते हैं ऐसा। तो उन्होंने घर पे मुखवास के कई डब्बे रख दिए भाई साहब। अच्छा। उन इतना पसंद मुखवास, इतना पसंद चौधराइन को, कि बाद में क्या हुआ कि जब उनका बेटा हुआ तो उन्होंने उसका नाम ही मुखवास चौधरी रख दिया। मुखवास चौधरी। अब बताओ विश्वास हो रहा है आपको? नहीं हो रहा। देखो उनको भी विश्वास ही नहीं हुआ क्योंकि उनको मुखवास हुआ। अब मुखवास बड़ा होके इंटरनेट पे बहुत बैठता था। अच्छा। पूरी कहानी सुनिएगा, फ्रस्ट्रेट मत होइएगा। इंटरनेट पे बैठ के उसने एक लड़की बताई जिसका नाम विशाखा। अच्छा। विशाखा और मुखवास की भी शादी होने को आई, शादी हो गई, उसके बाद बच्चे का टाइम आया। अच्छा। पंडित जी को बुलाया, बोला बच्चा अगर हुआ तो, लड़का हुआ तो क्या नाम रखेंगे? अच्छा। तो उन्होंने बोला विश्वास नाम रख देना। उन्होंने बोला विश्वास क्यों? उन्होंने कहा विशाखा में से विशा तोड़ लेना
और मुखवास में से वास तो विश्वास। विश्वास। एक सेकेंड, लेकिन लेकिन भाई साहब, हाँ बोलो बोलो, उन्होंने ऐसे नाम की प्लानिंग की थी पर लड़की हो गई। ओहो, लड़की, विश्वास नहीं हुआ, लड़की हो गई। हाँ, जब लड़की हुई तो सबका मुंह लटक गया, क्योंकि सब चाहते थे विश्वास हो, लेकिन विश्वास नहीं हुआ, लड़की हुई। लेकिन वही लड़की बड़ी होकर एक IAS अफसर बनी और गांव में लोगों की समस्याओं को सॉल्व किया। तब चौधरी साहब ने आंख में पानी ला के बोला कि अब विश्वास हो रहा है कि जरूरी नहीं है लड़का हो, लड़की भी नाम रोशन करती है घर का, परिवार का, अब विश्वास हो रहा है। हाँ जी, आप हैं ना लाइन पे? हाँ मैं हूँ। क्या हुआ, आपको भी विश्वास नहीं हो रहा इस कहानी पे? नहीं विश्वास तो हुआ, लेकिन अब तेरे को देने का तो मन है, लेकिन दे नहीं पा रहा हूँ क्योंकि तूने एक अच्छा मैसेज दिया है। वरना आप क्या कहते मुझे? अरे इतने रैप्टर मारता है, रैप्टर मारता तेरे। फोन में से घुस के फोन। गलत मत बोलिए, मुझे विश्वास नहीं हो रहा आप ऐसा बोलेंगे। 93.5 FM बजाते रहो। आपको इस कहानी पे विश्वास हो रहा है क्या? इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो। हेलो भैया जी, आवाज आ रही है? हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है भाई साहब? हाँ जी आवाज आ रही है। मैं बहुआ और मेरे साथ नंद किशोर बैरागी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नव युवक को। हेलो। हेलो। एक चर्चा होती है भाई साहब, जहाँ पर आप जैसा एक एक्सपर्ट और बैरागी जी जैसा, सॉरी, आप जैसा एक प्रतिनिधि और बैरागी जी जैसे टंग ऑफ स्लीप हो गया है। हेलो। क्या चर्चा करनी है? चर्चा ये, आप रेडी हैं या नहीं है? हम एक, हेलो, रेडी हो तो फिर क्या मतलब है? फिर क्या मतलब, कंफ्यूज लग रहे हैं। देखो, गई भैंस पानी में एक मुहावरा है या नहीं है, बताइए। गई रे गई भैंस पानी में, रामा रामा भरी जवानी में, बहुत जमानत चलता आ रहा है कि नहीं भाई साहब? हाँ होते हैं। क्यों भैंस पानी में गई बैरागी, इस पर अपना थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे बैरागी जी। देखिए भैंस जो है भोर से ही अपने कामों में लग जाती है। भाई साहब लाइन पे हैं। मेरा हाँ, इनका क्या मतलब, अभी मतलब एंड में समझेगा भाई साहब। भैंस भोर से ही, भोर से अपने कामों में लग जाती है और उसके बाद वो जो काम करती है उससे काफी वो सफाई चाहती है, क्योंकि स्वच्छता का अभियान इंसान ही नहीं। मैं समझ नहीं पाया, भैंस क्या करती है? गोबर करती है ना भाई साहब, करती होगी शायद, करती होगी, पर इससे मेरा क्या मतलब, अभी पता चलेगा, मतलब पता चलेगा। तो भैंस करती है गोबर, तो जैसी भैंस ने गोबर किया तो वो सोचती है कि स्वच्छता के चलते मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, मुझे कहीं और जाना चाहिए। किस चीज के लिए? सफाई के लिए, गोबर धोने के लिए। देखिए इंसान के पास तो धोने के लिए बहुत से आयाम है, जेट है, शार है, कागज है, अखबार है, तो बहुत सी चीजें हैं, लेकिन भैंस के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भैंस स्वच्छ भारत के चलते सीधा पानी के अंदर जाती है और साफ हो जाती है। ये लोग, ये तुम तो हो गए। नहीं नहीं, भैंस पानी में सिर्फ स्वच्छता अभियान को जिंदा रखने के लिए। आप गलत बोल रहे हैं, ऐसे नहीं बोल सकते। और काम नहीं है क्या? तुम घुसा घुसाते ना वहीं, जब बात कर रहे हैं आप गलत दिमाग की। थैंक यू सो मच। इनका नाम ब्रुंटो चोला हमारे साथ। क्या ब्रुंटो चोला? ब्रुंटो चोला, आप तेरा नाम होगा ब्रुंटो चोला, ब्रुंटो चोला। अरे चोला रे चोला रे चोला, ब्रुंटो चोला, ब्रुंटो चोला, ब्रुंटो चोला। बैरागी जी, इस बार की चिट्ठी, इस बार की चिट्ठी जो है किंटारापुर से आई है। वहाँ पर जामुन की गुठली पीस कर मधुमेह के लिए औषधि बना के जुल्मी साडू को कासा कटांका भेजने वाली टिन्यो गुलेरिया कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग। सो मेनी डिफरेंट नेम्स, ओनली यू कैन अटर टिन्यो, बट एफ से रॉकिंग नहीं होता। थैंक यू टिन्यो, रेड FM बजाते रहो जी। ब्रुंटो। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो। नमस्ते अंकिल। अबे अंकल नहीं हूँ मैं, सॉरी, मैं बहुआ बोल रहा हूँ, सॉरी। और मैं नंद किशोर बैरागी। कौन बहुआ? और बैरागी जी ने भी आपको नमस्ते किया है। हाँ नमस्ते, लेकिन कौन बहुआ कौन बैरागी? बताएंगे अगर आप तैयार हैं, पहले ये बताइए किस चीज के लिए। हर हफ्ते एक स्पेशल चर्चा, जहाँ पर आप जैसा एक प्रतिनिधि जनता की तरफ से, भाई साहब, हेलो, हाँ बोल, जनता की तरफ से आप जैसा एक प्रतिनिधि जुड़ जाता है। भाई कौन प्रतिनिधि, कौन जुड़ रहा है? एक सेकंड, मैं समझ रहा हूँ आवाज कट रही है, लेकिन बैरागी जी एक्सपर्ट हैं, वो उस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। आप प्लीज अगर 2 मिनट का समय निकाल सकें। भाई मैं समझ ही नहीं रहा हूँ, तू पहले ठीक से बता, मैं बात करूंगा वरना मैं फोन रख दूंगा। नहीं फोन नहीं, मैं कह रहा हूँ हम लोग एक टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। आर यू रेडी फॉर 2 मिनट्स प्लीज?
बोल सहमति आई है। सहमति आ गई। इस हफ्ते की जो चर्चा है उसका मुद्दा है कि जब भी किसी बाप का जूता बेटे के पैर में आ जाए तो बेटा बड़ा हो जाता है। बड़ा हो जाता है, लेकिन ये बात आई कहाँ से? इस पर प्रकाश डालेंगे हमारे नंदकिशोर बैरागी एक्सपर्ट। हाँ बैरागी बताओ क्या होता है। हाँ बताओ क्यों। देखिए बहुत ही पुराना मुद्दा है, बात जाबड़ नगर की है। अच्छा, जाबड़ नगर में कुंदन कलेसी नाम का व्यक्ति रहता था। वहाँ के कुंदन कलेसी के जूते में उनके बेटे पुतिन कलेसी का पैर आने लगा। क्या नाम रखा था उन लोगों ने आपस में? उनकी माँ रिहाना कलेसी। ओए कलेसी कौन है भाई? आप पहले सुन लीजिए पूरी कहानी, ठीक है? तो उनकी माँ रिहाना कलेसी ने कहा कि देखिए लड़का बड़ा हो गया, इसकी नौकरी का देख लो। तब बाप ने नियम लिया कि बेटा रात को या तो चौकीदारी की नौकरी करेगा जी, या सुबह अखबार फेंकेगा, या फिर कॉल सेंटर में जाएगा, या फिर कॉल सेंटर में, क्योंकि इससे ये होगा कि अगर बेटे के पैर में बाप का जूता आ जाए तो बाप दिन में काम करे, बेटा रात में। हाँ। एक जूते में काम चले रहे। क्यों भाई साहब? दोनों लोग कमाएंगे अपना। तो मैं क्या करूँ उसमें? नाम क्या इनका बेटा जी? इनका अलबट्टू। अलबट्टू मिश्रा। अलबट्टू मिश्रा जी हैं आप? तेरा बाप होगा अलबट्टू साले। गंदा बोल रहे हैं आप। चल उसका एक बेटा है वो रात में काम करेगा, अगर उसके चार बेटे तो फिर क्या करेगा? अच्छा अच्छा, अगर चार बेटे सीधी सी बात है, तीन बेटे तो कावड़ लेने चले जाएंगे नंगे पांव। बस कर दिया, इस चर्चा को ही खत्म करेंगे अलबट्टू मिश्रा जी के साथ। मैं आनंद किशोर बैरागी और मैं बहुआ अलबट्टू। अलबट्टू हाँ, तेरा बाप होगा अलबट्टू। हाँ भी बोल रहे। और इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई बैरागी जी? देखिए इस बार की चिट्ठी बुल्गेरिया की राजधानी रफलोंचा से। रफलों वहाँ से कुमारी बबली हेंड्रिक्स लिखती हैं, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। एफ से रॉकिंग नहीं होता बबली। थैंक यू हेंड्रिक्स। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो। हेलो हाँ जी, कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन बात कर रहे हैं? भाई साहब फ्रेंडशिप डे की बिलेटेड वाली शुभकामनाएं, कल था ना भाई साहब? धन्यवाद। अंग बहुआ बोल रहा था मैं। किससे बात करनी है, क्या बात करनी है बोलो? आपसे एक मिनट चाहिए था। ले लो भाई जल्दी ले लो यार, टाइम नहीं है, जल्दी बराबर ले लो भाई जल्दी। दोस्ती का जो कनेक्शन है ना आज के जमाने में आधार कार्ड जितना है, जो दोस्त होता है वो उतना इम्पोर्टेंट जितना आधार कार्ड, और दोनों का बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। यू कैन आस्क मी हाउ। कैसे बताओ? अच्छा इंग्लिश इज लिटिल लोअर है, सॉरी। सॉरी। तो क्या है कि अब बताइए आप, दोस्त कब काम आता है इंसान के? मुसीबत में। और क्या? और मुसीबत तब होती है जब आपके साथ कुछ गलत हो जाए। हाँ गलत तो होता ही है। गलत नहीं, गलत नहीं, सॉरी हिंदी भी नहीं आता उर्दू भी, गलत। जल्दी बोल यार, कुछ काम कुछ बताना है। दोस्त तो कब काम आता है? जब मुसीबत। मुसीबत तब जब कुछ गलत, गलत कोई आपके साथ करके भग जाए तो पुलिस, पुलिस उस गलत वाले को पकड़ने के लिए उसका फिंगरप्रिंट, फिंगरप्रिंट मैच करने के लिए कनेक्टेड है आजकल फिंगर्स भी आधार से। तो आधार जरूरी है अगर आपके साथ कुछ गलत, और फ्रेंड भी जरूरी है अगर आपके साथ कुछ गलत, दैट मीन्स फ्रेंड इज इक्वल टू आधार। भाई साहब करूँ क्या? पागल पागल। और अब मैं आपको बताता हूँ, एक तो होता है दोस्त भाई साहब, जो अगर आपको कोई पीटे तो वो भी आपके साथ भिड़ लेता है, लेकिन सच्चा दोस्त वो होता है कि अगर कोई आपको पीटे तो वो देखते ही भाग जाता है। ये सच्चा कैसे हुआ? अब वो भाग के गया, 10 लोग को और लेके आएगा ना, थोड़ी अकेले आपके साथ मार खाएगा, हो सकता है उन लोग ज्यादा लोग हो। तो झापड़ मारूंगा तेरे दोस्त को भी। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो, कट गई आवाज भाई साहब। कौन बोल रहा है? हेलो अंकिल नमस्ते, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। नमस्ते भाई, कहाँ से? हमारे यहाँ तो जनरली मुँह से ही बोलते हैं। मतलब भाई कहाँ से, किससे बात करनी है, क्या आपसे एक मिनट चाहिए था भाई साहब। बरसात का जब भी मौसम आता है लोग खामखा परेशान हो जाते हैं, मुझे लगता है। हेलो, एंजॉय करिए, पॉजिटिविटी देखिए, तो बारिश बहुत सारी चीजें सिखाती है। भाई मुझे क्या लेना, देखो जिसको सिखाना है, जिसको सीखना है वो सीखता है। तो शायद यही मैं कह रहा हूँ, आप जो चिढ़े बैठे हो एक मिनट दे दो बारिश के वजह से, सुनिए। जल्दी जल्दी बोलिए भाई। लेकिन आजकल ना इंसान अकड़ के चलता है, बहुत ईगो है ना, ऊपर मुंह करके चलता है। कम से कम बारिश होगी, नीचे पानी भरा रहेगा, गड्ढे होंगे, तो संभाल के नीचे देखकर चलेगा। कम से कम झुकना सिखाती है बारिश।
मुद्दे की बात बता भाई, मुद्दे की बात क्या? यही कह रहा हूँ, सरकारी लोगों को ये बरसात ताना देती है, पूछिए कैसे? कैसे? जब छोटे छोटे गड्ढों में थोड़ा थोड़ा पानी जमा होता है तो उनको याद दिलाती है कि ये चुल्लू भर पानी उन्हीं के काम का है, क्योंकि काम तो कर नहीं रहे गड्ढे भरने का। सही बात है, मजा आया ना सुनिए। तो बारिश हमें ये भी बताती है कि दूसरे के फड्डे में और बरसात से हुए गड्ढे में पैर नहीं डालना चाहिए। ये भी है, है कि नहीं भाई साहब? सही बोल रहे हैं भाई। एक जमाने हुआ करता था जब कौवा होता था, प्यासा कौवा, वो कंकड़ डाल के पानी पीता था मटके में। अच्छा, आजकल कौवे आलसी हैं, वो चाहते हैं डायरेक्ट पानी पिए, तो ये जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं बरसात में उसमें वो डायरेक्ट चोंच डाल के, हाँ, इनसे पी लेते भाई साहब। तो मेरा क्या है फिर, कौवे सरकारी नौकरी मेरा क्या लेने देना, फोन काट। गलत नहीं भाई साहब, सुनिए मेरी बात, आजकल भागती बोलना शुरू नहीं किया, बताओ। आजकल भागती दौड़ती जिंदगी में आदमी रुकता नहीं है, ठहरता नहीं है। कम से कम बरसात में ट्रैफिक होगा तो आदमी शांत रहेगा। लाइफ हैज बिकम लाइक अ ट्रेडमिल, रनिंग रनिंग रनिंग, रीचिंग नोवेयर। मेरा बताना, मेरा क्या फायदा है इसमें, फोन क्यों किया? सुन ले कर रहा हूं तेरी बात, लेकिन काम की बात तो बता। वही तो बताया ना, जिंदगी में ठहराव आता है। आप गलत बोल रहे हैं, जल्दीबाजी कर रहे हैं। तो ठहराव को नहीं, अच्छा सॉरी, आखिरी भाई एक सेकंड सुनिए, एक लास्ट सुन लीजिए, अगर इतना छींची बोल रहे हैं तो मैं रख रहा हूँ। तू जो सुनिए सुनिए, एक चीज बताइए, एक मैंने खबर पढ़ी थी, भारी वर्षा के कारण ट्रेन लेट चल रही है, तो फिर क्या करें? तो ठीक है, अभी तो खुद ही तो कह रहा है ठहराव आता है, तो ट्रेन को बोलना ठहर जाए थोड़ी देर के लिए। नहीं, इसका एक सलूशन है मेरे पास। दे, जो भारी वर्षा है, वर्षा को ट्रेन से हटा दो, ट्रेन हल्की हो जाएगी, फिर ट्रेन लेके निकल लो भाई साहब। क्यों इतना भाई साहब, हर चीज में बरसात का लॉजिक नहीं, भारी वर्षा मतलब समझ रहे हैं आप? तो मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि जब भी बरसात हो तो क्या करें? ठहर जाओ बस। नहीं, कच्चे जो सूख रहे हैं ऊपर उसको उतार लो, वरना कल क्या वरना कल क्या पहनोगे भाई साहब? ऑन अ लाफिंग नोट, आई थिंक आई शुड डिस्कनेक्ट भाई साहब। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, अंकिल बहुआ बोलो नमस्ते। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो, नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो अंकिल जी, नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं बहुआ बोल रहा हूँ, बरसात शुरू हो चुकी है, भीनी भीनी खुशबू मिट्टी की आ रही है। तो? और ये बरसात जब आती है तो रोजगार लाती है, ऐसा मुझे लगता है। सॉरी, ऐसा भड़कने की जरूरत नहीं है, आप पूछ सकते थे कैसे, तब मैं बता देता कैसे। अब उसमें आप गंदा बोल रहे हो, चीची बोल रहे हो, तो फिर बात थोड़ी ना हो पाएगी अंकिल। रोजगार लाती है, मुझे भी पता चले। मैं बताता हूँ, देखो बरसात होती है, आप भीगते हो, चाय पीते हो, चाय वाले का काम बढ़ता है। पकौड़े खाते हो, पकौड़े वाले का काम बढ़ता है, राइट? ट्रैफिक में फंसते हो, गाड़ियां फंसी रहती हैं, मूंगफली वाला आता है, वो मूंगफली देता है खिड़की खटखटा के, उसका बढ़ता है। बस कर, रुको अभी तो शुरू किया, बस कर। कुछ भी सुनो, पैदल चलने लगते हो, पानी बरसता है, चप्पल टूट जाती है, चप्पल बनवाते हो, वहाँ रोजगार बढ़ता है भाई साहब। अरे फोन काट, मेरा सुनो, कपड़े गंदे होते हैं, उसको धुलवाने पड़ते हैं, इस्त्री करवाना पड़ता है, ओ इस्त्री कलाना, यहाँ कोई मर्द, उसमें रोजगार बढ़ता है। सुनिए, अभी गड्ढे दिखते नहीं है, भर जाते हैं पानी से, गाड़ी में टायर उसमें फंस जाता है, टायर फट जाता है, टायर बनवाने वाले का रोजगार जाता हो, तेरे फंसा दूंगा मैं, बंद कर फोन काट। और एक सुनिए, आपका जब टायर फंसा है, फट गया है, तब आप बॉस को फोन करते हो, मोबाइल निकालते हो, मोबाइल में पानी घुस जाता है, फिर आपका 4,000 का मोबाइल भी खराब हो जाता है, उसमें मोबाइल का रोजगार। अबे तेरा बाप 4,000 का चलाएगा, 40,000 का चला रहा है क्या फोन? अच्छा, आपने, आपके 40,000 का फोन है? और क्या, तेरी तरह थोड़ी ना है। ओ मतलब घर बेच दिया आपने? सुनिए एक मिनट, और अगर आपने बॉस को फोन लगाया और आप ऑफिस लेट पहुंचे तो आपको नौकरी से निकाल देंगे, वहाँ भी रोजगार? अबे नौकरी से निकाल देंगे फिर काएगा रोजगार? आपकी जगह किसी और को तो मिल रहा है ना, उसके लिए तो रोजगार है ना भाई साहब। नौकरी खाने में बैठा तू, तेरी मैं 40,000 का मोबाइल। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो, नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो,
आवाज, हेलो, आवाज कट रही थी भाई साहब, आवाज ही है? हेलो, हाँ जी, नमस्ते, मैं बहुआ बोल रहा हूँ भाई साहब। हाँ जी बोलिए। हाँ जी बोलिए, आगे बोलिए आगे। इतना फालतू टाइम तो है नहीं। सॉरी, एक मिनट आ जाएगा। सॉरी, मैं ये कह रहा था कि बंदर क्या जाने पाइसम का स्वाद। ये क्या है? अदरक का स्वाद तो सुना था ये। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ, दूध का जला भी चाट से फूक ना, रसम फूक फूक। कहते हैं उसमें कुछ काला है, किसमें? दाल में ना, सांबर में। मैं ज्यादातर सांबर खाता हूँ, तो मैं सांबर बोलूंगा ना भाई साहब। वो कहते हैं कपड़ा और मकान से पहले क्या आता है, इंसान की तीन जरूरत है। रोटी ना, इडली। मेरे लिए तो इडली है। हेलो, इडली कपड़ा मकान, इडली कपड़ा, ठीक है। घर की मुर्गी दाल बराबर ना, कर्ड राइस, मुझे कर्ड राइस बहुत पसंद है भाई साहब। ओह माय गॉड। ऊंट के मुंह में जीरा ना, मेंदू वड़ा, जीरा तो पक गया, खागा क्या पक गया, खागा क्या कह रही, इतना बड़ा मतलब इतना बड़ा खा लेगा वो जीरा तो? चलो, कितना बड़ा होता है ऊंट, नहीं खा लेगा क्या बड़ा? जीरा भी मुहावरे के लिए बोलेगा भाई साहब, लातों के भूत। बातों से तो बिल्कुल नहीं ना, उत्तपम से बिल्कुल नहीं मानते। अच्छा, मैं एक मेरी सुन। हाँ बताइए। अब बता, सीधी उंगली से? सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। नहीं नहीं नहीं, सीधी उंगली से घी नहीं, कोकोनट चटनी नहीं निकलती, उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। वाह, आपने भी ऐड किया भाई साहब। पर मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, आप ना उंगली यूज मत करिए चटनी के लिए, क्यों पता है? हाँ बताओ। नाक में उंगली डाल के फिर चटनी निकालोगे, अच्छा नहीं लगेगा भाई साहब। तो तू खाएगा तो बहुत हो गया तेरा काम। गलत मत बोलिए, गलत बोल रहे। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, इन्हें फोन काट दिया, लेकिन बात साउथ इंडियन खाने की हुई है, तो प्लीज आप लोग इस इवेंट में जरूर आइए, साउथ साइड स्टोरी, जो कि 7 तारीख को हो रही जोड़वा दिल्ली में। bookmyshow.com पर टिकट कटाइए, फ्री कपास मांगने की जरूरत मत करिए। बहुआ बोलो बजाते रहो, मैं भी वहाँ आऊंगा। हेलो, मुंड पहन के। ओके बाय। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो, हेलो जी अंकिल, नमस्ते। नमस्ते जी, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हेलो भाई साहब, आवाज सिग्नल ठीक आ रही है? आवाज आ रही है। बरसात जो होती है ना, अच्छी होती है भाई साहब, ट्रैफिक जाम हो जाता है, सड़क रुक जाती है, सब बढ़िया होता है। अच्छा, क्या होता है ट्रैफिक में? अच्छी बात है ना, देखो बरसात में ना एक्सीडेंट कम होते हैं। एक्सीडेंट कम होते हैं मतलब? मतलब देखो, एक्सीडेंट कब होता है? जब आदमी फोन पे बात करते करते गाड़ी चलाता है। लेकिन जब बारिश होती है, ट्रैफिक जाम होता है, गाड़ी जाम में फंसी रहती है, आदमी रुक के बात करता है आराम से, नो एक्सीडेंट। पागल है क्या? और तो हेलो, गलत मत बोल, मेरी बात सुनिए। जो सड़क के गड्ढे होते हैं ना, बारिश उनके लिए बड़ी अच्छी है। पूछो कैसे? मैं बता रहा हूँ। देखो, जब बारिश नहीं होती तो गड्ढे दिखते हैं, जैसे बारिश होती है गड्ढे भर जाते हैं, छुप जाते हैं। बारिश कितनी अच्छी है ना, गड्ढा बचा रही है, मतलब छुपा रही है। तू पागल है क्या? मतलब एक सेकेंड, हमारे एक और मैं बताता हूँ फायदा। बारिश से आदमी जिंदा रह सकता है, बताऊँ कैसे? बारिश रहेगा तो पानी रहेगा, अगर बारिश नहीं रहेगी तो पानी नहीं रहेगा, और जब पानी नहीं रहेगा तो आप स्विमिंग नहीं करोगे, और जब आप स्विमिंग नहीं करोगे तो डूब जाओगे ना। बताओ, लगता है काट दिया। काटा नहीं है साले, तेरी परेशान कर रहा है। तू चीज़ हो भाई, चट बारिश अच्छी है, समझा? बात कट रहा है बड़ा, बारिश का फ्रस्ट्रेशन मेरे पे निकाल। बहुआ बोल रहे हो, रेड एफएम बजाते रहो। हेलो, नमस्ते अंकिल। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो हेलो, कौन? अंकिल जी नमस्ते। अबे कौन अंकल, किसको बोल रहा है? हैं? कौन बोल, कौन रहा है? कौन मैं अंकल, बहुआ किसको बोल रहा है? भाई साहब, मैं बहुआ बोल रहा हूँ आपसे, दो मिनट बात करनी। हेलो, हाँ तो कौन बहुआ? कल मैं पढ़ रहा था, मैं बता दूँगा, कल मैं पढ़ रहा था। हाँ क्या? कि वर्षा के कारण तो कई ट्रेनें लेट हो गई। तो क्या करें उसमें हम भे? मैं बताता हूँ, अगर ऐसा हो तो क्या किया जाए, क्या करना चाहिए? अगर वर्षा के कारण ट्रेन लेट हो रही है तो वर्षा को ट्रेन से उतार दो, आप ट्रेन लेके जाए। एक सेकेंड, नहीं, अगर कहीं से खबर आए कि वर्षा के कारण ट्रेन राइट टाइम हो गई तो क्या करें? मैं बताऊंगा क्या। मैं बताता हूँ, देखो, वर्षा, अगर वर्षा के कारण ट्रेन राइट टाइम है तो आप वर्षा को हर ट्रेन का ड्राइवर बना दो, जिससे वो हर ट्रेन एक सेकेंड, मैं कह रहा था, आज बहुत दिनों बाद वर्षा से बात हुई, उसने मुझसे पूछा कैसे हो,
बता मैंने क्या कहा? क्या कहा? आंखों में चुभन, दिल में जलन, सांसें भी हैं कुछ थमी थमी सी, हर तरफ धुआं धुआं। वर्षा ने मुझसे पूछा, आप हमारे इश्क में हो? हमने कहा नई दिल्ली में हो। तो इन सब के अलावा अगर एक बात बताओ, अगर वर्षा क्रिकेट कमेंट्री करने लगे तो उसका नाम क्या होगा? क्या होगा? मुझे तो नहीं पता। वर्षा भोगले। अरे यानी वर्षा में इतना पोटेंशियल है कि वो ट्रेन ड्राइवर भी बन सकती है, क्रिकेट कमेंट्रेटर भी बन सकती है, वो सब कुछ कर सकती है। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए पता है? क्या होना चाहिए? बता दे। पहले वर्षा को इस दुनिया में आना पड़ेगा, जिसके लिए वर्षा के मम्मी पापा को शादी करनी पड़ेगी, और शादी करने के बाद वर्षा के मम्मी पापा को समझदार होना पड़ेगा कि बेटी को कोख में मारना नहीं है, उस वर्षा को पैदा करना है, वरना कई लोगों की बेवकूफी के चलते ऐसी कई वर्षा कोख में मर जाती है और कुछ बन नहीं पाती है। हेलो, आखिरी में तूने बिल्कुल दिल को छूने वाली बात करी है। सिर्फ दिल नहीं छूना भाई साहब, इस बात को लोगों को बताना भी है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बिल्कुल समझदारी की सिर्फ समझदारी की लोगों को बताना भी है, समझदार करने। नहीं, 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 बिल्कुल बिल्कुल जितना मिलेगा मैं बताऊंगा जरूर। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। चलिए बिल्कुल, बड़ा ढेर होता है। क्या? नहीं नहीं आपसे नहीं, मैं लोगों से बोल रहा हूँ। बड़ा ढेर, आप रखिए फोन रखिए। बड़ा ढेर होता है कि कोई चीज ही नहीं बोलता, लेकिन आप भी प्लीज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बहुआ बोले रेड एफ एम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते।